नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज हम बात करेंगे एसिडिटी की समस्या के बारे में। सेहतमंद और पौष्टिक खाने की कमी के चलते कई बार एसिडिटी की परेशानी होने लगती है, जिसमें अक्सर सीने और गले में लगातार जलन, पेट फूलना, खट्टी डकार आना, जी मिचलाना, कभी कभी उल्टी होना, उल्टी में अम्ल या खट्टे पदार्थ का निकलना आदि समस्याएं खाना डाइजेस्ट ना होने और पाचन तंत्र सही तरह से काम न करने की वजह से होती है। एसिडिटी होने पर जल्द आराम पाने के लिए हम कई प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं। उस समय तो एसिडिटी की समस्या में आराम मिल जाता है, पर ये इसका सटीक और स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए आप आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाकर एसिडिटी की समस्या में आराम पा सकते हैं। अब आपको एसिडिटी की समस्या का वो आयुर्वेदिक इलाज बताते हैं जो आपको एसिडिटी की समस्या से निजात देगा, और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको बताएंगे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी। आइए स्वामी जी से जानते हैं कि एसिडिटी को दूर करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मदद करती हैं। अब तुम ऐसे ही एसिडिटी के लिए ऊपर से एसिड और डालते, बताओ एसिडिटी में ऊपर से एसिड एसिडिक जो भी तुम दवाई खाते हो ना, इनो डाला तो झाग से उठते हैं, ऐसे एक्टिंग करके दिखाते हैं कि वो पहले अंदर से उबल रहे हो, ऊपर से और एसिड डाल रहे हो, उबरा हमारी एसिडिटी इससे ठीक हो जाएगी। ये शरीर के साथ क्रूरता है, ना इंसाफी, जुल्म जाती है। तो लिवोग्रिट खाओ, अभिपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, कम दुधा मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि। कल एक भाई मेरा बोले जी भयंकर एसिडिटी बाबा, हरियाणा का था, उबला करता था, उबलता था। आपने बताया एलोवेरा लो, बीट ग्रास लो, लोकी पियो बाबा जी, तीन चीज पी और मेरी तो वो एसिडिटी जो ज्वालामुखी की तरह उठती थी गई। लिवोग्रिट खा लो एक खाली पेट, क्यों खाते हो जहर? लिवोग्रिट, लिवामृत, रिनोग्रिट, ट्राइघन, पुनर्नवा, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गिलोय, गोखरे, आंवले का काढ़ा जब प्रोटीन लीकेज हो जाता है तो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।